हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी मीडियम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति जो हमने पढ़ा उसके एनसीईआरटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल्स का पहला एक्सपीरियंस है कहना चाहिए, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका टारगेट है तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझना है। और चूंकि अभी शुरुआत है तो बहुत पेशेंस के साथ बहुत आराम से आपको न्यूमेरिकल्स करना है। न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ ज़रूरी बात है, वो ये है कि पहला आपको चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चैप्टर समझ में अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, चैप्टर में जितने भी फार्मूले डिराइव हुए हैं, जितना भी फार्मूला आपने पढ़ा है, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो हम पहले फेज में अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स का बहुत बेस्ट कलेक्शन है। यदि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा तैयार हो जाते हैं, बाद में फिर और आप उसके आगे के न्यूमेरिकल्स उस बेस में कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है उनमें मैं ओनली न्यूमेरिकल्स को कराऊँगा। उसमें कुछ क्वेश्चन थियोरिटिकल बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, और कुछ ग्राफ पर बेस्ड हैं, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। अपन ओनली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सेलेक्ट करके करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3.4 ये स्टेटमेंट हमारे बोर्ड में डिस्प्ले होगा, और स्टेटमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बोर्ड से, और साथ में मैं भी रीड करता हूँ, और उसके बेस पर फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो मैं भी साथ में आपको पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.4 में क्या है, यह एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। इसके बाद वह फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे आता है, और इसी तरह वह चलता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड समय लगाता है। तो ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं, बिना ग्राफ को मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 किलोमीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह का है। ये सपोज ये एक रोड है, और शराबी, आपने शराबी का चाल देखा होगा, शराबी कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, इस प्रकार से वो चल रहा है। लेकिन ये एक सिस्टमेटिक शराबी है, बिल्कुल उतना ही आगे चलता है वो, उतने एग्जैक्ट पीछे जाता है वो। देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो गड्ढा है वो यहाँ से 13 मीटर दूर, बोला ना, गड्ढा वहाँ से कितने मीटर दूर है, 13 मीटर दूर है। 13 मीटर दूर ये गड्ढा है। इसके चलने का तरीका क्या है कि ये 5 कदम आगे जाता है और 2 कदम पीछे जाता है, ठीक है। जैसे ये चला 1 2 3 4 5 यहाँ आया, फिर वो 1 2 3 स्टेप पीछे चलाता है, कुल मिला के कितना चलता है वो 2 चलता है एक बार में, क्लियर। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले हम देखें 5 गया और 3 वापस आया, कुल मिला के कितना समय, कितना उसने स्टेप चला, 8, और 1 स्टेप चलने में वो 1 सेकंड का समय लेता है, ठीक है, 1 सेकंड का समय लेता है। तो 8 सेकंड उसने समय लिया, क्लियर। तो हम यहाँ पर देखते हैं 8 सेकंड में चली दूरी, 8 सेकंड में चली गई दूरी कितना होगा, 5 गया 3 वापस आ गया, लेकिन दूरी तो उसने कितना तय किया, 2 मीटर। तो 2 मीटर इसने किया, 8 सेकंड में चली गई दूरी ये 2 मीटर, ऐसा हम उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। फिर नेक्स्ट 8 सेकंड में चली गई दूरी भी कितना, 2 मीटर, मतलब ये 2 मीटर फिर चला वो। फिर नेक्स्ट 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, वो 2 मीटर चलेगा, मतलब यहाँ पर मैं फिगर में आपको शो करते जा रहा हूँ, ये 2 मीटर पहले चला, फिर 2 मीटर चला, अब इसको आप ऐड करते जाइए, 6 मीटर चल चुका वो, क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट 8 सेकंड में चली गई दूरी ये भी 2 मीटर, मतलब वो सपोज यहाँ पर आ गया। अब देखो, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 ये टोटल 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका और अब यहाँ पर खड़ा है। हर बार हमने क्या किया, 5 उसको आगे
लिया और तीन पीछे लिया, तो समय उसने 8 सेकंड लिया, लेकिन दूरी कितना चला, 2 मीटर का चला। अब जब इतना दूरी चल चुका, 2 2 4 2 6 2 8 मीटर चल चुका, अब यहाँ पर खड़ा है, अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में कितना चलेगा, नेक्स्ट 5 स्टेप चलेगा वो, क्योंकि हर बार 5 आगे जाता है। यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसी लास्ट कैलकुलेशन में है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 में जाके गड्ढे में गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 8 सेकंड चल चुका है, सॉरी 8 मीटर चल चुका है, ये 8 मीटर चल चुका वो, और 5 मीटर फिर जाएगा तो 5 मीटर के बाद तो 13 मीटर पर, टोटल 8 5 13, तो 5 मीटर पर क्या है, ये गड्ढा है, तो गड्ढे में जाकर गिर जाएगा, उसको पीछे आने का मौका लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 और 5, ये कितना हो गया, 13 मीटर में जाके वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतना सेकंड लिया था और वो 5, तो प्लस कितना हो जाएगा, 5 सेकंड और हो जाएगा, ये 5 सेकंड और होगा, क्यों, आगे बढ़ने के लिए, वापस तो आया नहीं वो। तो ये हो गया 32 प्लस 5, 8 चौक 32 धन 5, तो ये जो टोटल टाइम लेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है, वो कितना हो जाएगा, 32 और लास्ट में 5, मतलब 37 सेकंड। इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सेकंड पश्चात वो जाके गड्ढे में गिरेगा, तो 37 सेकंड पश्चात वो जाके गड्ढे में गिर जाएगा। तो ग्राफ वगैरह ड्रा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम एक जनरल कैलकुलेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक तरह से रीजनिंग पर बेस्ड है। ये आप 2 2 मीटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो 8 मीटर की डिस्टेंस, 8 सेकंड नहीं है ना ये, 8 मीटर, जब वो 8 मीटर की दूरी तय कर चुका रहेगा, तो आगे बचा रहेगा 5 मीटर, क्योंकि 8 5 13, और जाके गड्ढे में गिर जाएगा, मतलब लास्ट में उसको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3.4। ऐसे ही आपको लिख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपन न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3.5, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। इस तरह का सिचुएशन है, देखिए ये कोई जेट प्लेन है ये, और इसका जो ऊपर जाने का जो वेलोसिटी है, ऊपर जाने का, सपोज अपन कहेंगे भी आई उत्तर, इनिशियल वेलोसिटी उसका जो है ऊपर जाने का, वो है 500 किलोमीटर पर आवर इनवर्स ये है, और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। इधर से जो गैस निकलता है, इसको हम कहते हैं वीजी फॉर गैस, क्योंकि कोई भी जेट यान जब ऊपर जाता है तो नीचे क्या होता है, रॉकेट पीछे गैस छोड़ता है। तो ये है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इनवर्स। ये छोटा सा क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पर, जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। अब जमीन में कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये कोई ऑब्जर्वर है, और ये आदमी देखता है कि इन दहन उत्पादों का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। क्लियर, तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वी नॉट, वो तो जीरो है क्योंकि स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब किसके सापेक्ष, यान के सापेक्ष। एक लाइन का क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, यान के सापेक्ष वेग इक्वल टू हो जाएगा वी आई माइनस वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस जीरो, दैट मीन्स 500 किलोमीटर इनवर्स। ये यान के सापेक्ष हो जाएगा, और यदि हम उसको गैस के सापेक्ष देखें, ठीक है, अब क्या है, गैस के सापेक्ष, गैस के सापेक्ष अपन वेग निकालें तो हो जाएगा वी नॉट, क्योंकि यहां पर ये खड़ा है, गैस का डायरेक्शन नीचे है, तो वी जी दैट इक्वल जीरो माइनस 1500, दैट मीन्स माइनस 1500 किलोमीटर अब इनवर्स, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या पूछा है,
जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सभी का आपस में अपने को रिलेटिव वेलोसिटी को बताना है। तो लास्ट में हम निकाल सकते हैं, इसलिए यान तथा गैस के सापेक्ष, यदि हम यान तथा गैस के सापेक्ष निकालना चाहे तो यान ऊपर की ओर 500 माइनस गैस 1500 और माइनस क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि ये ऊपर यान का है और नीचे क्या है ये गैस का है। तो इन दोनों के सापेक्ष यदि हम उस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा -1000 किलोमीटर इनवर्स। ऐसी क्वेश्चन है, इसमें बस आपको दिशा के सापेक्ष जोड़ना घटाना है कि कब ऊपर है कब नीचे है। तो आसान क्वेश्चन है, 3.5 में कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर, तो ये हो जाएगा, सीधा सीधा ओरल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, क्वेश्चन नंबर 3.6, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, कार को रुकने में कितना समय मिलेगा। देखिए, कार का जो प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक वेग u बराबर 126 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा, वो ये है, ये नोट करके ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को यदि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल में हमको यूनिट चेंज करना होता है, यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करने, किलोमीटर पर आवर को इसमें परिवर्तित करने के लिए, इसमें परिवर्तित करने के लिए क्या करना, आप 5/18 का गुणा करना। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे अपने पास x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे और 3600 का भाग करेंगे सेकंड बदलने के लिए, तो 20 कैंसिल आउट हो गया, 25 जा 218, माने 5/18 का गुणा करते हैं। और इसमें बहुत फेमस एग्जांपल, देखो एनसीईआरटी के बुक में जितना भी न्यूमेरिकल्स आपको देगा वो डेटा को इस तरह से सुधार के देता है कि आप उसको बराबर हल कर लें। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, तो आप कैसे करोगे, 7.2 × 5/18, 5/18, तो 18 × 4 = 72, ये 0.4 और ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड। वैसे 72 दिया रहेगा, 720 दिया रहेगा, तो 72 का आ जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड, 720 का आ जाता है 200 मीटर प्रति सेकंड, 54 देगा, 36 देगा, मतलब ऐसा वैल्यू देगा जो 18 से क्या हो जाए, कट जाए। तो ये आप ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल करते करते सबकी प्रैक्टिस हो जाती है, धीरे धीरे जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप ओरल चेंज कर लोगे वहाँ पर। तो ये बात ध्यान में रखना, इसको आप नोट कर लो और नोट करके रखो इसको कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात लिख लेना, मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ठीक उल्टा 18/5 का गुणा करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 5/18 का गुणा करोगे, 5/18 का गुणा, ये ध्यान रखना। और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा ना, पर आवर में, तो 18/5 का गुणा करते हैं, ये भूलना नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सा क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, तो फिर मैं इरेज करता हूँ उसको, आप नोट करके लिख के रखना। तो यहाँ पर हमको दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी आगे के वैल्यू को मीटर में दिया हुआ है। यदि पूरा का वैल्यू किलोमीटर में दो हो तो अलग बात है, एक को किलोमीटर में दे एक को मीटर में दे, तो हमको इसको बदलना पड़ता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो 126 × 5/18 अब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड,
126 में 18 को अपन डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स है ना, ये 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 पंचे 35, ये हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। देखो वैल्यू ऐसा दिया है कि वो 18 के साथ में कट गया, जनरली इसी तरह से देता है। तो ये हो गया यू, इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 ना, इसे 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। एस दिया है कितना, 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया मतलब अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। रोक दिया मतलब अंतिम वेग जीरो हो गया, इस पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए, इसको मान गया कार को रुकने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हमको क्या गणना करना है, इसमें मंदन, मंदन का गणना करना है और समय कितना लगेगा ये भी। तो देखो एस दिया है, एस दिया है, यू दिया है, वी दिया है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं, अपन लगाते हैं इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तीसरे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये फार्मूला अपन लगाते हैं क्योंकि टाइम हमको नहीं पता है। तो अंतिम वेग क्या है, शून्य, जीरो, प्रारंभिक वेग यू ये है 35 का होल स्क्वायर और प्लस 2 ए निकालना है, और कितना दूरी चल के वो रुक जाता है, 200 का डिस्टेंस रुक जाता है। दैट इम्प्लाइज आगे क्या हो जाएगा, ये 400 ए इक्वल टू 35 इंटू 35, देयर फोर ए इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन 400। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर बताता हूँ। आप इस तरह के ये सिंप्लीफिकेशन वाले पोजीशन को आप लोग अपने से मैनुअली करिए, प्रैक्टिस करिए उसका, बाकी मैं तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये इसका हो जाएगा, कटाएंगे तो 3.06, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 3.06, इसको आप कैलकुलेटर से भाग कर लेंगे या आप मैनुअल करिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और माइनस, तो क्या हो गया, ये मंदन हो गया, ठीक है। इसको लगभग 3 भी लिख सकते हैं, लगभग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेंगे आप। नेक्स्ट इसमें पूछता है टाइम कि कितना समय लगेगा, कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है, इस तरह का कैलकुलेशन वाला पोर्शन, उसको आप मैनुअली करने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेरा काम का नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है मेथड एक्सप्लेन करना, तो इस तरह का कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से फटाफट, क्योंकि मुझे टाइम जल्दी पढ़ाना है उसको, तो ये सब आप कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है, नहीं सॉरी आप लोग मैनुअली करना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब हम यहाँ पर लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगाएं तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाता है वी माइनस यू अपॉन ए, ये इसको इधर पक्षांतर कर दें तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पर वी अंतिम वेग शून्य है, ऋण प्रारंभिक वेग कितना है 35, और अभी हमने ये निकाला है माइनस 3.06, अभी मंदन निकाला है, तो यहाँ पर भी अपन माइनस माइनस तो कैंसिल आउट होएगा, टाइम कभी निगेटिव नहीं आ सकता। 35 में 3.06 को भाग करें तो 3.06 को भाग करने से आ जाएगा 4/16 भी कर सकते 11.4, ये आ जाएगा 11.4 सेकंड, ये आंसर। इस तरह का डिवीजन आप लोग अपने से करिए, ये प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया दो क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि कितना मंदन होगा, मतलब कार कितने मंदन से रुक जाएगी और रुकने में कितना समय उसको लगेगा, तो 11.4 सेकंड में क्या होगी, कार रुक जाएगी, ठीक है। ये दो गति के समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन है इस बार, इसमें गति के समीकरणों को आपको कैसे सेलेक्ट करना है, क्या लगाना है, दिया है के आधार पर लगाना है कि क्या आपको दिया है, हमको पता है यू दिया है, एस दिया है, वी दिया है, तो यू वी और एस में ये संबंध है, यहाँ से ए निकल जाएगा, बाद में समय निकालने की बात करता है तो हमने टाइम वाला इक्वेशन लगाया, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन से भी निकल जाता वो, लेकिन उससे जो गणना है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोर्ड से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए, और यदि आपके पास बुक है एनसीईआरटी का तो आप एनसीईआरटी के बुक को ओपन करके प्रैक्टिस करिए और स्टेटमेंट को आप बुक से करिए,
मैं क्वेश्चन का नंबर अनाउंस करते जाता हूँ, उसके हिसाब से आप पढ़ते जाइए। अब हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा, वैसे एनसीईआरटी के बुक में न्यूमेरिकल्स का बहुत बेस्ट कलेक्शन है, आप थोड़ा मेहनत करके करिए उसको। 2 रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, चल रही है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है, गाड़ी बी से आगे है। बी का चालक एक से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड इसके, देखो सिचुएशन को मैं आपको एक छोटे से फिगर से समझा देता हूं। ये एक ट्रेन है, इसको ट्रेन आप मान के चलिए, और एक दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन ए है। क्वेश्चन में क्या बोला है कौन आगे है, वैसी फिगर बना देते हैं अपन। प्रत्येक की 400 मीटर लंबी, गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है, गाड़ी ए जो है गाड़ी बी से आगे है, मतलब ये कर लिया मैंने इसको बी, ये बी है, देखो ए इससे आगे है। ये भी 400 मीटर लंबी है और ये भी 400 मीटर लंबी है, दोनों 400 मीटर लंबी ट्रेन है, इस तरह से दोनों गति कर रहे हैं। अब बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता था, अब क्या करता है देखो, ये जो बी ट्रेन का जो चालक है, ये ड्राइवर क्या करता है, ए से आगे निकलना चाहता है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, और ये इसमें त्वरण उत्पन्न करता है। मतलब त्वरण कैसे उत्पन्न होगा, वेग में परिवर्तन, ये तो नियत वेग से चल रहा है लेकिन ये त्वरण उत्पन्न करता है, ये त्वरण है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे त्वरित करता है। और त्वरित करने के बाद फाइनली होता क्या है, जब ये त्वरित करता है तो उनके बाद इनका सिचुएशन बदल जाता है। नीचे में एक और फिगर बना देता हूं मैं, अब ये सिचुएशन इस तरह से हो जाता है, ये मतलब ये ट्रेन ए है ट्रेन बी है, तो कुछ समय के पश्चात इस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो इस ट्रेन के गार्ड के सीध में आ जाता है, तभी तो उससे आगे निकल गया वो। ट्रेन बी का जो गार्ड है यहाँ पर उसका गार्ड होगा और ट्रेन ए का यहाँ पर कौन होगा, ड्राइवर होगा, तो इसका गार्ड इसके ड्राइवर से आगे निकल जाता है। देखो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है, बी का चालक कैसे निकलना चाहता है तथा इसे त्वरित करता है, यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड इसके आगे हो जाए तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी। इसका मतलब क्या हुआ, कितना समय पश्चात हो, 50 सेकंड पश्चात, टी बराबर 50 सेकंड। बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्वेश्चन के कथन को समझना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एक कथन को, प्रश्न के कथन को बार बार समझना है, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सुनिए। प्रारंभिक स्थिति में ए और बी दो ट्रेन एक दूसरे से आगे पीछे हैं और यही दूरी को हमको वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो स्टार्टिंग में कितने दूर थे, मान लो एस। अब बी का ड्राइवर क्या करता है, पहले मान लो एस दूरी पर थे, दोनों 400 मीटर लंबे ट्रेन हैं। अब बी का चालक अपने ट्रेन को त्वरित करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब जब वो आगे बढ़ाता है तो 50 सेकंड पश्चात इसका गार्ड इसके ड्राइवर से सीध में आ जाता है, मतलब उसे आगे निकल जाता है। तो जब उन लोगों ने ओवरटेकिंग स्टार्ट किया था उस समय उनके बीच की दूरी कितना है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ट्रेन ए द्वारा चली गई दूरी, सबसे पहले ए द्वारा, ए द्वारा चली गई दूरी, इसको मैंने मान लो एस ए कह दिया, एस ए मैंने ए द्वारा चली गई दूरी, तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर वेग गुणित समय, तो इसका वेग कितना है, दोनों का वेग तो नहीं दिया, दोनों का वेग समान है ना, लिखा नहीं क्या मैंने क्वेश्चन में, दो रेलगाड़ियां 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का वेग बराबर है। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं वी ए बराबर वी बी बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आ गया ना 72, अभी आपको मैं बोला था ये फिक्स डेटा है, ये तो स्टूडेंट रट लेता है इसको प्रैक्टिस करते करते, अभी मैं बदल देता हूँ इसको, 72 गुणित क्या बोला 5/18, तो 18 × 4 = 72 हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये देखो कुछ दिन बाद आपको प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो याद हो जाएगा कि 72 का 20 आता है, 720 का 200 आता है, 7200 का 2000 आता है, और लगभग फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल में डेटा यही देता है, अच्छी प्रैक्टिस हो तो फटाफट बन जाता है। तो चली गई दूरी और वेग गुणित समय, तो वेग है 20 और समय कितना लिया उसने 50 सेकंड,
ये, तो 5 × 10 ये हो गया 1000 मीटर। मतलब ए द्वारा 50 सेकंड में चली गई दूरी कितना हो गया 1000 मीटर। अब हम निकालते हैं बी द्वारा चली दूरी, बी द्वारा चली गई दूरी, इसको हम एस बी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्यों? यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि बी के ड्राइवर ने अपने ट्रेन को त्वरित कर दिया है इतने से, और जब ट्रेन त्वरित हो रहा है, उसमें त्वरण हो रहा है, तो सीधा दूरी बराबर वेग गुणी समय से नहीं निकलेगा, वो फिर गति के समीकरण से, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एस बी है इसको हमने लिख दिया एस बी, दैट इम्प्लाइज एस बी इक्वल टू प्रारंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग यही है जो चल रहा है, वही प्रारंभिक वेग है कितना 20, तो 20 इंटू टाइम कितना ले रहा है 50 सेकंड ले रहा है, प्लस 1/2 त्वरण का मान कितना दिया है 1 दिया है, और इंटू टाइम कितना है 50 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 × 10, ये हो गया 1000, प्लस यहाँ पर देखो 1/2 इंटू 50 इंटू 50, तो ये 25, दैट इक्वल 1000 धन ये हो गया 1250, और दैट इक्वल दोनों को अपन जोड़ दें तो ये 052 और ये 2, इतना मीटर 2250 मीटर की दूरी किसने चला? बी ने चला, बी ट्रेन ने। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों के बीच में विस्थापन कितना था जिसको उसने कवर किया, ठीक है? तो इसलिए दोनों के बीच का विस्थापन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के बीच का विस्थापन s इक्वल टू हो जाएगा एस बी माइनस एस ए, दैट इक्वल 2250 माइनस 1000 इक्वल टू 1250 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1250 मीटर की दूरी पर दोनों थे। तो हमने क्या किया, एक बार ट्रेन ए का विस्थापन निकाला, फिर ट्रेन बी का विस्थापन निकाला, फिर दोनों को घटा दिया, तो दोनों के बीच ओवरटेकिंग से पहले कितना विस्थापन था ये निकल जाएगा। आपेक्षिक वेग पर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर? देखिए इसका सॉल्यूशन का यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाइए, क्योंकि इसके लिए पीडीएफ तो प्रोवाइड हम नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ नहीं कराते, थ्योरेटिकल चैप्टर के कराएंगे आपको, तो ये आपको अपने से प्रैक्टिस करना है और नोट्स बना के रखना है, क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्लियर? देखिए मैं इसका आपको एक और मेथड बता देता हूँ, एक शॉर्टकट मेथड आपको एक बता देता हूँ, ध्यान में आ रहा है दूसरा मेथड तो दूसरा भी बता दूँ, इसको आप मेथड फर्स्ट समझो, मेथड फर्स्ट, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने के बहुत से मेथड हैं। अब आपको एक और विधि बता देता हूँ, शायद वो विधि आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच का जो आपेक्षिक वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्यों? मेथड नंबर 2, क्यों जीरो हो जाएगा? हम जानते हैं कि जब दो पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनका आपेक्षिक वेग भी ए माइनस भी भी होता है, तो बी के सापेक्ष ए का वेग, मतलब वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों कितना है 20, तो इसको अपन कहेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 20 - 20 इक्वल टू हो गया 0। तो दोनों के बीच का अपेक्षित वेग रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 हो गया। देयरफॉर यदि हम इसमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो s इक्वल टू ये अपेक्षित वेग है दोनों के बीच का प्रारंभिक, ये 0 हो गया, और प्लस 1/2 a 1 है, और ये हो जाएगा 50 का स्क्वेयर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1250 मीटर ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान हो गया ये फार्मूला, यहाँ पर मैंने नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया, कौन सा? आपेक्षिक वेग का मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो कि 0 आ गया, तो ये 0 हो गया और सीधा इसको हो जाएगा 1250 मीटर के डिस्टेंस में। तो मेथड बहुत है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने के, कि ये मेथड भी आप लिख लो, उसको मैंने डिटेल बताया था दोनों का अलग अलग विस्थापन निकाल के, यहाँ पर मैंने उसको आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष ए का वेग करके बनाया था, मेथड सेकंड भी लिख लो, और ये मेरे ख्याल से बहुत आसान लगा होगा आपको, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, बस ये है आपेक्षिक वेग आपको यहाँ पुट अप करना है, क्लियर?
चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसका। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट पढ़िए, बोर्ड में हमारे डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 को। और दो लेन वाली किसी सड़क पर कार ए, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझना। दो लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में चलती दो कारें बी व सी जिनमें प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है कार ए तक पहुंचना चाहती है। देखना, टू लेन वाली रोड है। मैं फिगर देखो, जनरली मैं हर क्वेश्चन में आपको फिगर्स इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिचुएशन आपके दिमाग में बैठे। एग्जाम में आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, या क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप बना भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। ये है एक टू लेन वाली रोड है। सपोज ये मैं लेन बना दिया, यहाँ पर रेडिंग से मैंने ये टू लेन है। अब इसका बोलते हैं टू लेन वाली रेड रोड में एक कार 36 प्रति घंटे चाल से चल रही है, कार ए है। सपोज मैंने यहाँ पर कार ए को लिया और इसका वेलोसिटी वी ए, माने समझ जाना कार ए, इसका जो वेग है ये है 36 किलोमीटर। यहाँ पर सबके वैल्यू को मैं चेंज कर करके लिखता हूँ, ठीक है। ये वी ए इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 36 गुणित 5/18, मतलब 18 × 36 मतलब कितना हो गया, 10 मीटर। देखिए डेटा कैसा दिया हुआ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि उसमें 18 का भाग चला जाएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे ही देता है। तो वी ए है 10 मीटर पर सेकंड, ये कार का पोजीशन है वी ए। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती दो कारें बी व सी जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार है बी, एक दूसरे के विपरीत, ये कार बी है, इसका वेलोसिटी वी बी और वी ए बराबर वी बी और वी सी, वी बी बराबर है वी सी के और वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लिखेंगे 54 × 5/18, 18 × 54 = 3, 5 × 15 देखो 15 मीटर पर सेकंड। तो ये 15 मीटर पर सेकंड से इधर गतिशील है। और एक कार बी सी है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वैसे एक बात आपको मैं बता दूं कि 11th क्लास में मैकेनिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ यांत्रिकी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चन इसी पोर्शन से कवर होते हैं। तो वी बी इस दिशा में और वी सी इस दिशा में दोनों आ रहे हैं, और वी ए भी, तीन कार का सिचुएशन आपने देख लिया, ठीक है। ये वी बी इस कार वी ए की दिशा में चल रही है, वी सी इसकी विपरीत दिशा में चल रही है, ये दोनों इक्वल मोशन से हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये भी दिया हुआ है, दोनों 1 किलोमीटर में हैं। कार बी का चालक क्या निर्णय लेता है कि कार सी के कार पर पहुंचने से पहले वह कार आ से निकल जाए, किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। अब देखो इनका सिचुएशन क्या है कि जब ए का जो पोजीशन है वो कैसा है, दोनों 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यह भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर यह भी है, और यहाँ से इसका भी पोजीशन ये भी कितना है, 1000 किलोमीटर है। उस समय क्या चाहता है, क्लियर, 1000 मीटर है ना, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर है, ये दोनों मीटर पर, ध्यान रखना यूनिट को, इसीलिए सबको हमने मीटर में चेंज किया है। अब देखो क्वेश्चन का सिचुएशन बहुत बेस्ट, थोड़ा ध्यान से समझना, इतना सिचुएशन आपको समझ में आ गया। अब क्या करता है, ये कार बी का ड्राइवर चाहता है कि मैं कार ए को इस सी के इसके पहुंचने से पहले निकाल लूं, क्लियर। इस तरह का ओवरटेकिंग का कंडीशन आता है, आपने देखा होगा, आपने यदि कार में खुद ड्राइविंग किया हो, या फिर तो बच्चे आप ड्राइविंग नहीं किए होंगे, या हम जैसे करते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन फिजिक्स के टीचर हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो,
तो वो बिल्कुल कैलकुलेटिव चलता है। किस तरह से ऐसा सिचुएशन आता है कि सपोज इस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं देखा अपने लेन में कार जा रही है, सामने के लेन से कार आ रही है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कार इस कार के सामने पहुँचे इससे पहले मैं इसको ओवरटेक करके आगे निकल लूँ। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को पूछा गया है तो यह तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, इसने त्वरण किया, त्वरित किया, तो त्वरण तो अनंत भी हो सकता है, अनंत त्वरण, लेकिन क्वेश्चन में इसी लास्ट में लिखा है कि सुरक्षित पार कर ले, मतलब इतना मिनिमम एक्सीलेटर दे वो अपने कार का कि सुरक्षित पार करके वो आगे निकल जाए। मैक्सिमम तो बोल नहीं सकता, मैक्सिमम में तो कार को उड़ा देगा, एक्सीडेंट कर देगा वो, है ना, इसीलिए मिनिमम पूछा है, सुरक्षित शब्द इसीलिए यूज किया है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में बहुत मजा आता है करने में, इसके सिचुएशन बहुत बेस्ट होते हैं। चलिए तो अब हम इसको दोनों कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट एक बार और ध्यान से पढ़ो आप, सिचुएशन को दिमाग में बिठाओ और सबसे पहले हम दोनों के आपेक्षिक वेग निकालते हैं, ठीक है। ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, दोनों के सापेक्ष हम सबसे पहले निकालते हैं ए के सापेक्ष बी की चाल, ए के सापेक्ष बी की चाल जिसको हमने कह दिया यू बी ए, तो बी का कितना है 15 और इसका कितना है 10, तो दोनों की दिशा एक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यू बी, या मैंने वी कहा है तो वी भी अपन सपोज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, वी बी माइनस वी ए दैट इक्वल 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये आपको समझ में आया, सबसे पहले मैं निकाल लिया ए के सापेक्ष बी की चाल, सेकंड नंबर हम निकाल लेते हैं कि ए के सापेक्ष सी की चाल, ये निकाल लें अपन ए के सापेक्ष सी की चाल, ठीक है, उसको हम क्या कह दिए वी सी ए, तो वी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वी सी माइनस वी ए, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो आपेक्षिक वेग माइनस, चैप्टर का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बार बार आपको बता रहा हूँ, यदि चैप्टर आप ढंग से नहीं समझे न्यूमेरिकल मत करो, पहले चैप्टर करो, तो वी सी प्लस वी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 प्लस 5 दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे दोनों की चाल, आगे हमको स्टेटमेंट में बोला है कि कार का चालक निर्णय लेता है कि त्वरण से आगे करता है, अब कार बी वाला चाहता है कि इस सी के यहां तक पहुंचने से पहले वो निकाल ले, तो हम ये निकाल लेते हैं कि सी जो है ए तक कितने समय में पहुंचेगा, ठीक है, या कितना दूरी तय करेगा, तो कार सी द्वारा दूरी तो 1000 किलोमीटर है, कार सी द्वारा ए तक जाने में लगा समय, अब हम ये निकालते हैं कि कितना समय लेगा कार सी द्वारा ए तक जाने में लगा समय, मतलब ये जो कार सी है वो कितने समय में ए तक पहुंचेगा, तो समय इसको हमने टी मान लिया, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग, तो दूरी कितना है 1000 मीटर की दूरी है और वेग है, वेग उसका हमने निकाले हैं अभी कितना 15, तय हो जाएगा 15 और 1000 में 15 को भाग दें तो कितना हो जाएगा 1000 भागित, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, वी ए का वैल्यू 10 है, सॉरी वी सी, अरे क्या क्या वैल्यू पुट कर दिया, वी सी तो 15 है, वी सी का मान 15 है और ये कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 25, तो 25 चौक ये हो जाएगा 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में ये जो कार है वो इस कार को पा जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन बी क्या चाहता है कि 40 सेकंड से पहले वो निकल जाए, ऐसा त्वरित करे, इसके लिए टारगेट मिल गया,
इसके लिए टारगेट मिल गया कि कार सी कार ए तक 40 सेकंड में पहुंचेगी, तो बी का ड्राइवर क्या करेगा, 40 सेकंड से पहले वो त्वरित करेगा। तो सी के लिए कार, माना कि कार बी के लिए त्वरण क्या है, ए है, और यही हमको निकालना है कि कितने त्वरण से अपने कार को वो ले जाए। तो कार बी के लिए त्वरण, मान लो कार बी का ड्राइवर अपने कार को बी ए त्वरण से त्वरित करता है, तो यहाँ पर हम अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सा वी ये लगाते हैं, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो दूरी कितना तय करेगा वो 1000, क्योंकि इसके लिए भी 1000 मीटर की दूरी का टास्क है, 1000 दूरी पर उस कार को उसको ओवरटेक करना है, और उसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना है ए का, तो ए का प्रारंभिक वेग अब कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी अपन पुट करते हैं यहाँ पर ना, तो 5 इंटू टाइम इतना ही टाइम लेगा 40 सेकंड का, और प्लस 1/2 त्वरण हमको निकालना है, और टाइम कितना ले रहा है वो 40 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 5 × 20 = 200, 200 में इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 800 इक्वल 1/2 40 × 40, तो 220 दैट इम्प्लाइज इंटू ए ना, दैट इम्प्लाइज 800 इक्वल टू ए भी हो जाएगा 800 ए, देयर फॉर दोनों 800 कटेंगे तो ए इक्वल टू 1 m/s². इस तरह से यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 1 m/s², मतलब ड्राइवर को अपने बी कार के ड्राइवर को अपने कार को 1 m/s² से त्वरित करना चाहिए, ठीक है। तो 1 m/s² से त्वरित करेगा तो यह जो कार वो इस सी कार के यहाँ पहुँचने से पहले उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये त्वरित कर रहा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यूज हुआ है कि किसके सापेक्ष पे कैसे निकालना है, फिर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि वो ओवरटेक करने में कितना समय लेगा, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे कि त्वरण कितना, कार को कितना त्वरित करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे एनसीईआरटी में जो कलेक्शन इस चैप्टर में दिया है क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, थोड़ा मेहनत करके करिए आप इसको न्यूमेरिकल में, स्टार्टिंग से ही यदि आप न्यूमेरिकल में मेहनत करेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ ले लीजिए इसका, धारा एक दूसरे से जुड़े हैं, देखो अपन दो शहर ले लेते हैं, ठीक है, फिगर भी बनाते जाता हूँ मैं साथ में समझाने के लिए आपको। सपोज ये ए शहर है और सपोज ये बी एक शहर है, दोनों दो सिटी हैं और दोनों रेगुलर बस सर्विस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बोलता है क्वेश्चन में, और टी मिनट के बाद दोनों बसें चलती हैं, कोई व्यक्ति साइकिल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे बी की तरफ जा रहा है, यहाँ से बस चलती है, एक छूटती है, एक बस यहाँ छूटती है, और हर टी मिनट, क्या बोले, टी आवर, हर टी मिनट के बाद, हर टी मिनट के बाद क्या होती है, बस वहाँ से छूटती है, हर टी मिनट के बाद, जैसे रहता है ना कि बस स्टॉप में कि हर एक घंटे बाद यहाँ से इस शहर के लिए बस है, तो शहर ए से शहर बी के लिए भी, शहर बी से शहर ए के लिए हर टी मिनट के बाद एक बस छूटती है, और एक वो साइकिल सवार है, इसका हमने वेलोसिटी को सी कर दिया, सी फॉर साइकिल, वो है 20 km/h, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक साइकिल वाला क्या करता है, ये जाता है ए से बी की ओर जाता है कि प्रत्येक 18 मिनट बाद एक बस उसकी गति की दिशा में तथा 60 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद उसके विपरीत दिशा में गुजरती है। अब क्या होता है, जब इधर जाता है तो इधर से जाने वाली बस 18 मिनट में एक बस इसको पार करती है, और इधर से आने वाली जो बस है वह 6 मिनट में पार करती है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोला, समझ में आया, ए से बस छूटती है, बी से बस छूटती है हर टी मिनट के पश्चात, जब ए से बस छूटती है वही साइकिल सवार को हर 18 मिनट में एक एक बस इसको पार करती है, जैसे मान लो मैं साइकिल से जा रहा हूँ ए से बी की तरफ, तो 18 मिनट बाद एक बस मेरे बगल से गुजरी, फिर 18 मिनट बाद एक बगल से गुजरी, लेकिन सामने से जो बस आती है वो हर 6 मिनट बाद ही साइकिल सवार को क्या करती है, पार करती है, क्लियर। फिर आगे बोलता है बस सेवा शक्ति कितना है और बसें सड़क पर किस चाल से चलती हैं, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि टी ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है कि बस सेवा कितने समय
के पश्चात वहाँ पर है, मतलब कितने घंटे बाद एक बस मिलती है, और दूसरा पूछता है उसका चाल क्या है, वेग क्या है। ठीक है, तो दो कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए से बी की ओर, हमने पहले पार्ट में इसका कैलकुलेशन किया, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर चलने वाले बस के लिए हमको पहले पार्ट में इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम बी से, अभी ए से बी की तरफ हम बात करें। ठीक है, तो साइकिल के सापेक्ष या साइकिल सवार के सापेक्ष बस का वेग, ये हम यदि निकालें तो मान लो बस का वेग है वी बी, बी फॉर बस, सी फॉर साइकिल, तो साइकिल सवार के सापेक्ष निकाले तो दोनों का दिशा सेम है, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, और ये हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर में है ना, डेटा को हम किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितने देर में, 18 मिनट में, क्वेश्चन में बोला है कि 18 मिनट में उसको पार करती है। ठीक है, तो इसलिए 18 मिनट में चली दूरी, तो 18 मिनट में चली की दूरी कितना हो जाएगा, वेग गुणित समय, तो वेग है वी बी माइनस 20, ये हो गया वेग, और गुणित समय कितना लेता है 18 मिनट, तो इसको हम 18 को घंटा में चेंज करें क्योंकि यह आवर में दिया हुआ है, तो 60 का भाग देंगे तो हो जाएगा ये 60, तो 18 मिनट में चली दूरी बराबर इतना हो जाएगा। तथा अब प्रश्न में बोला है कि हर टी मिनट में एक बस वहाँ से छूटती है, तो टी समय में चली गई दूरी, टी मिनट में कहना चाहिए, ठीक है, टी मिनट में चली गई दूरी बराबर, तो टी मिनट में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, बस का वेग हमने क्या माना है, बी माना हुआ है, तो बी वेग से, अभी अपेक्षित वेग नहीं, वी बी वेग से वो बस उधर जा रही है, तो टी मिनट में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, वी बी और गुणित वेग गुणित समय, ये हो जाएगा क्या, टी, और मिनट दिया हुआ है तो टी अपान क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखना, 18 मिनट में मतलब साइकिल सवार के सापेक्ष चली गई दूरी है, और टी मिनट में स्वयं के द्वारा चली गई दूरी है, और दोनों दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों दूरियों को बराबर कर लेंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा वी बी माइनस 20 इंटू 18 अपॉन 60 इक्वल टू ये हो जाएगा वी बी इंटू टी अपॉन 60, दोनों साइड से 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा वी बी माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू वी बी इंटू टी, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया ए से बी की ओर के लिए। ठीक है, सिचुएशन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए से बी की ओर के लिए हमने निकाल लिया साइकिल के सापेक्ष बस का वेग, इसके बाद 18 मिनट में दूरी और टी मिनट में चली गई दूरी। अब हम लेते हैं बी स्टेशन से ए की ओर के लिए, सेकंड केस, बी से ए की ओर, इस केस के लिए हम बात करें तो साइकिल के सापेक्ष बस का वेग, ठीक है, ये साइकिल सवार के सापेक्ष बस का वेग, अब यहां पर क्या होगा, देखो दोनों की दिशा विपरीत है, साइकिल सवार इधर जा रहा है, बस इधर जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी प्लस 20 हो जाएगा, वी बी प्लस 20, इसलिए वो कितने देर में पार करती है, 6 मिनट में पार करती है, तो 6 मिनट में चली गई दूरी, इसलिए 6 मिनट में चली गई दूरी, तो 6 मिनट में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, वी बी प्लस 20 इंटू 6 अपान 60, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी बी प्लस 20 और इंटू 1/10, ये हो जाएगा, या इसको अभी वैसे ही रहने दो, अभी वैसे ही रहने दो क्योंकि हम निकालने वाले हैं टी मिनट में चली गई दूरी, इसलिए टी मिनट में चली दूरी, तो टी मिनट में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी वी बी इंटू टी अपॉन 60, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो वी बी प्लस 20 इंटू 6 अपॉन 60 इक्वल टू वी बी इंटू
टी अपॉन 60, ये 60-60 कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इंप्लाइज वी बी प्लस 20, वी बी प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा वी बी इंटू टी रिलेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्या करना है, इन दोनों को हल करना है और हमको ज्ञात करना है वी बी और टी का मान। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बीच का पोर्शन मैं मिटा दूंगा, ठीक है, ले लिया। चलिए अब हमको सॉल्व करना है एक और दो को, तो ये मैं बीच वाला पोर्शन को मिटा दिया। दोनों को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो एक में दो का भाग दे दो, वन डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो वन क्या है वी बी माइनस 20 इंटू 18 और ये है वी बी प्लस 20 इंटू 6 और वी बी इंटू टी, ये भी वी बी इंटू टी दोनों कैंसिल होकर हो जाएंगे वन। दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करें तो आप ये 6 3 18 इसको इधर ट्रांसफर कर दें, 3 के हम मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 वी बी माइनस 20 3 60 इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दो तो वी बी प्लस 20। दैट इम्प्लाइज इधर यहाँ ट्रांसफर करें तो 2 वी बी हो जाएगा और 60 इसके साथ में जुड़ के हो जाएगा 80। देयरफॉर वी बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस का वेग कितना है, दोनों बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, एक आंसर ये हुआ। और साथ में टाइम भी पूछा हुआ है तो टाइम निकालने के लिए किसी भी एक में पुट कर देते हैं अपन, तो इसलिए 2 से, इसलिए 2 में हम मान को भर देते हैं समीकरण 2 में, तो वी बी प्लस 20 ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू वी बी कितना है 40 इंटू टी। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 60 गुणित 6 बराबर 40 इंटू टी। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 2 3 जा और 2 3 जा 2 3 3 जा 9, टी इक्वल टू 9 मिनट 9, क्योंकि हम यहाँ पर मिनट में माने हैं टी को, तो 9 मिनट, ठीक है। ये दो आंसर होंगे, तो क्या क्या अपने को आंसर मिला कि जो बस सर्विस है उसका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और हर 9 मिनट के पश्चात दोनों स्टॉपेज से एक एक बस छूटती है, ठीक है। एक बार आंसर टेली कर लें इसका अपन, 9 मिनट और 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक दो कंडीशन आप ध्यान रखना, एक ए से बी की ओर, फिर बी से ए की ओर, और फिर दोनों को अपने को आपस में हल कर देना है, क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक इसकी स्टार्ट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कई पार्ट हैं लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मैं सीधा सी पार्ट को आपको समझा दे रहा हूँ, वो भी बहुत आसान है। कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, इसके बाद गेंद के ऊपर की गति के द्वारा त्वरण की दिशा, तो त्वरण की दिशा नीचे होगी, ओवरऑल बता देता हूँ मैं आपको। तो ए बी सी पार्ट इसका ओवरऑल आंसर है। दूसरा पार्ट बोलता है इसकी गति को उच्चतम बिंदु पर, गेंद का वेग तो उच्चतम बिंदु पर, जब किसी भी पिंड को, ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये कोई क्षैतिज धरातल है और यहाँ से हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ये हमने ऊपर की ओर फेंका, तो गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे काम करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंतिम वेग शून्य होता है, अधिकतम ऊंचाई में जाकर पिंड क्या होता है रुक जाता है। यहाँ जब प्रारंभिक वेग इसको फेंका गया है ऊपर की ओर 29 मीटर पर सेकंड, यह है 29 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाएगा क्योंकि जाके बाल वहाँ रुक जाता है। ये सब इसके आंसर हैं। लेकिन चौथा पार्ट में इसमें पूछा गया है कि किस ऊंचाई पर गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये ऊंचाई हमको पूछा है, हाइट कि कितने हाइट पर वो पहुँचता है। तो सीधा सीधा हम इसमें कौन सा इक्वेशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देयरफॉर वी स्क्वायर
चूंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये फार्मूला लगाएं तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है 29 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं 2, और जी का मान 9.8 ये, और ऊंचाई हमको पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा h, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लें तो 19.6 ये हो जाएगा, 19.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 29 × 29, h इक्वल टू 29 × 29 अपॉन 19.6। इसको हम सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए, 29 × 29 नियर अबाउट 3 सेकंड आएगा, 19.6। 29 × 29 में 19.6 को एक मिनट रुक बैठ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में मिस्टेक है, इसको थोड़ा सुधार लेना आप लोग। ये 29.4 मीटर पर सेकंड है, इंग्लिश मीडियम के बुक में सही दिया है, हिंदी मीडियम में मिसप्रिंट है, तो इंग्लिश मीडियम में सही है इसका क्वेश्चन, 29.4 होगा क्योंकि यहाँ पर एक कैंसल आउट नहीं हो रहा है, सब इंटीजर वैल्यू आई, 29.4 × 29.4 यहाँ पर आप इसको लिखोगे 29.4 का होल स्क्वायर, 29.4 × 29.4। अब 29.4 × 29.4 में 19.6 अपन इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 44.1 मीटर, ये हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना ये डेटा है, हिंदी मीडियम में गलत है, इंग्लिश मीडियम में सही है, दोनों मीडियम का मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी इसको अलग अलग लैंग्वेज में। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अंतिम वेग तो जीरो है, प्रारंभिक वेग 29.4 और ऊपर जा रहे हैं तो −9.t देयरफॉर टी इक्वल टू हो जाएगा 29.4/9.8। इसीलिए इसको दिया हुआ है, डेटा इसी तरह से देता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, इसीलिए उसको मैं चेक किया था, ये आएगा 3 सेकंड। 29.4 में 9.8 आप कैंसिल कराएंगे तो 3 सेकंड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉल है वो 3 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा और 3 सेकंड में ही नीचे वापस गिरेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जितने समय में वो अधिकतम ऊंचाई में जाता है उतने ही समय में दोबारा वह पृथ्वी पर वापस आता है, तो इसलिए वापस आने में जो लगा समय होगा वह भी क्या होगा, 3 सेकंड होगा। तो इसलिए जो कुल समय होगा वो हो जाएगा 3 + 3 = 6 सेकंड। इस प्रकार से ये जो पिंड है 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, 3 सेकंड में वापस जमीन पर गिरेगा, तो इसका फोर्थ पार्ट है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो ओरल आंसर है, बता दिया मैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो कुछ नहीं, इसमें एक बार गति का द्वितीय समीकरण लगाना है, एक बार गति का प्रथम समीकरण लगाना है, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दोगे आप लोग, 12 भी 13 भी, इसके बाद हम देखेंगे 14। बंद करते बेटा एक मिनट, कितना टाइम देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी में और बहुत से क्वेश्चन हैं, यदि मैं पूरे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूं, मैं तो करा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं, तो आप लोगों के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और परेशानी हो जाएगी, तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं अभी, 5-6 क्वेश्चन इसमें और हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इसके बचे क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में देखेंगे, ओके थैंक यू।